नमस्कार, मैं नवीन राजवाल, खबर 24 न्यूज में आपका स्वागत है। दिखाते हैं खबर विस्तार से। भवानी मंडी में उपखंड अधिकारी को दिया ज्ञापन। राजस्व सेवा परिषद के आह्वान पर तहसील पचवाड़ के तहसील सेवा भू अभिलेख निरीक्षक व पटवाड़ संघ तीनों संघ के कर्मचारियों ने संघ की विभिन्न मांगों के संबंध में आज मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन उपखंड अधिकारी को दिया गया। सरकार के साथ हुए समझौते की आज तक पालना नहीं होने के विरोध में आज ज्ञापन दिया गया, जिसके तहत 20 व 21 को सामूहिक अवकाश लेते हुए कार्य बहिष्कार किया जाएगा। इस दौरान नायब तहसीलदार हरिशंकर जहांगीर, दिनेश चौरसिया कानून को संघ अध्यक्ष मीना अरोड़ा, जिला सभा अध्यक्ष ईश्वर शर्मा, ललित शर्मा, हेमंत प्रजापत, सुनील पौरवाल, पटवाड़ संघ अध्यक्ष देवकरण नागर, जिला उपाध्यक्ष राजेश गुप्ता, जिला संगठन मंत्री रूढ़मन गुजर, राकेश दोबी, अन्य कर्मचारी उपस्थित रहे। भवानी मंडी में अभिभाषक परिषद द्वारा भवानी मंडी न्यायालय में काली पट्टी बांधकर वकीलों ने किया कार्य। परिषद के अध्यक्ष सचिन राजावत ने बताया कि मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट की मांग को लेकर काली पट्टी बांधकर कार्य किया गया और विरोध तथा अधिशीघ्र उक्त मांग पर अभिभाषक परिषद ने भवानी मंडी न्यायालय में किया प्रदर्शन। इस अवसर पर अधिवक्तागण सती चंद गुप्ता, हेमराज शर्मा, कैलाश जैन, विमल कुमार, स्वतंत्र व्यास, संजय चतुर्वेदी, रमेश चंद इत्यादि अभिभाषक मौजूद रहे। लायंस क्लब भवानी मंडी रायल के तत्वाधान में बिस्तूनिया गांव में बसंती लाल कालूलाल सालेचा गौशाला में 4,900 रुपये की दवाइयां बीमार गौ माताओं के लिए दी गई। क्लब के अध्यक्ष लायंस के राठी व प्रदेश प्रथम उपाध्यक्ष लायन कालूलाल सालेचा ने अपने हाथों से गौ माता को दवाइयां खिलाई। साथ में लॉयन चैन सिंह सिसोदिया, लॉयन अख्तर अली, समाज सेवी कैलाश कंवर चौहान, शैतान मल जैन, पारस जैन, करावन सुल्तान सिंह, कचुरू सिंह, सुमय सिंह चौहान, गोपाल सिंह, सज्जन सिंह, डूंगा सिंह, राम सिंह आदि मौजूद रहे। उनेल नागेश्वर में तलाई का खेड़ा में पेयजल की समस्या होने के कारण महिलाओं ने बताया कि कोई ट्यूबवेल हैडपम्प चालू नहीं है और गर्मी में ग्रामीण तरस रहे हैं। पानी के लिए कोई व्यवस्था नहीं है, अपने स्तर से हमें व्यवस्था करनी पड़ती है। झालावाड़ में मुख्य चिकित्सा स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर जेएम सैयद द्वारा सुनेल ब्लॉक के पीएससी सिरपोई उनेल व कड़ोदिया का औचक निरीक्षण किया गया। मुख्य चिकित्सा स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर जेएम सैयद ने निरीक्षण के दौरान राज्य सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं, जिले में बढ़ रहे कोरोना के रोगियों को ध्यान में रखते हुए निरीक्षण किया गया, जिसमें राजस्थान सरकार की फ्लैगशिप योजनाओं को जन सामान्य तक पहुंचाने हेतु चिकित्सा अधिकारी चिकित्सा कर्मियों को पाबंद किया गया। चिकित्सा संस्थान द्वारा अपने आने वाले हर रोगियों को मुख्यमंत्री निरोगी राजस्थान, मुख्यमंत्री निशुल्क दवा जांच योजना, अन्य विभागीय योजनाओं से लाभान्वित करने के दिशा निर्देश दिए। झालरापाटन मुस्लिम समाज के तत्वाधान में सबे कद्र के तहत सोमवार रात मस्जिद नील गगरान में इबादत का दौर चला। मस्जिद के इमाम मुकीम अहमद ने बताया कि सबे कद्र की रात में अल्लाह की इबादत करने वाले मोमिन के दर्जे बुलंद होते हैं, जिससे उनके गुनाह माफ़ कर दिए जाते हैं, दोजख की आग से निजात मिलती है। उन्होंने कहा कि रमज़ान के पूरे महीने में बरकत और रहमतों की बारिश होती है। यह अल्लाह की रहमत का ही सिला है कि रमज़ान में एक नेकी के बदले 70 नेकियाँ नामे आमाल में जुड़ जाती हैं, लेकिन सबे कद्र की विशेष रात में इबादत, तिलावत, दुआएँ कबूल मकबूल होती हैं। नीलगढ़ समाज के सदर मोहम्मद सिद्दीक गौरी ने बताया कि रमज़ान मुबारक का तीसरा असरा ढलान पर है। तीसरे असरे के 27वें सबे कत्र के रूप में मनाया जाता है। इसी मुकद्दत रात में कुरान भी मुकम्मल हुआ है। रमज़ान के तीसरे असरे के 5 रातों में सब कत्र को तलाश किया जाता है। यह रात है 21वीं, 23वीं, 25वीं, 27वीं और 29वीं रात, जिसमें 27वीं इबादत की रात होती है। नायब सदर मोइनुद्दीन चौधरी ने बताया कि मस्जिद के इमाम जो तारावीह की नमाज पढ़ाने वाले इमाम व मौजिन का कमेटी की तरफ से इमाम इकरार देकर इस्तकबाल किया गया। झालरापाटन सदर थाना क्षेत्र के देवनगर गांव में एक वृद्धा निर्माणाधीन शौचालय के गड्ढे में गिरकर गंभीर रूप से घायल हो गई, जिसे उपचार के लिए रात करीब 2 बजे झालावाड़ के एसआरजी अस्पताल में भर्ती करवाए गए। अस्पताल में वृद्धा की हालत गंभीर बनी हुई है। उसकी गंभीर हालत को देखते हुए चिकित्सकों ने उसे आईसीयू में भर्ती किया है। देवनगर गांव की रहने वाली प्रेमबाई 70 वर्षीय पत्नी अमनलाल के घर पर शौचालय का काम चल रहा है, जिसके लिए गड्ढा खोदा है। रात करीब 11 बजे के प्रेमबाई किसी काम से मकान के मुख्य द्वार से बाहर आई तो इस दौरान वह गड्ढे में गिर गई। प्रेमबाई के चिल्लाने की आवाज़ सुनकर पड़ोस में ही रहने वाला उसका रिश्तेदार
करण सिंह मौके पर पहुंचा, प्रेम भाई को गड्ढे से बाहर निकाला। बाद में करण गांव के अन्य लोगों के साथ प्रेम भाई को लेकर झालरापाटन के सैटेलाइट हॉस्पिटल पहुंचा, लेकिन प्रेम भाई की स्थिति गंभीर होने के कारण उसे सैटेलाइट अस्पताल से झालावाड़ एसआरजी चिकित्सालय रेफर कर दिया गया। यहाँ डॉक्टरों ने उसे आईसीयू में भर्ती किया। सेन समाज डग अध्यक्ष दिनेश परमार, राजू चक्के वाले व सेन समाज के वरिष्ठ जन सोहन लाल देवड़ा, मदन लाल परिहार, केला देवड़ा, राधेश्याम सेन, रामलाल एवं समस्त सेन समाज के डग के सानिध्य में संत शिरोमणि श्री सेन जी महाराज के प्राकट्य उत्सव का कार्यक्रम संत सेन जी महाराज हनुमान जी की पूजा अर्चना व दीप प्रज्वलन का शुभारंभ किया गया। कार्यक्रम का संचालन सुरेश परिहार, अध्यापक राजेंद्र सेन अध्यापक के द्वारा सेन महाराज के जीवन पर प्रकाश डाला गया। साथ ही समाज की कार्यकारिणी गठित कर महिला मंडल की अध्यक्षता माया देवड़ा, नवयुवक मंडल के अध्यक्ष प्रशांत देवड़ा व सैलून एसोसिएशन के अध्यक्ष गोविंद सेन को सर्वसम्मति से मनोनीत किया गया। पिड़ावा में ग्राम पंचायत के अधिकार में कटौती किस्त की राशि के भुगतान की मांग को लेकर पंचायत समिति के सरपंचों ने एसडीएम कार्यालय पर प्रदर्शन कर पीएम व सीएम के नाम एसडीएम को ज्ञापन सौंपा। मांग पूरी नहीं होने पर कार्य बहिष्कार की चेतावनी दी। पंचायत समिति के कई सरपंचों ने एसडीएम कार्यालय पर प्रदर्शन कर एसडीएम को ज्ञापन दिया, जिसमें 15वें वित्त आयोग की 1500 करोड़ रुपए की बकाया राशि का भुगतान करने, मनरेगा में एएनएमएस से ऑफलाइन हाजिरी दर्ज करवाने, मनरेगा में सामग्री मद का 3 माह में भुगतान करवाने, पीएम आवास प्लस की आवासीय स्वीकृति जारी करने, नए पात्र लोगों का नाम सम्मिलित करने और त्रुटिवश काटे गए पात्र परिवारों को आवास योजना का लाभ दिलवाने आदि की मांग की गई। मांग पूरी नहीं होने पर प्रदेश स्तर पर कार्य बहिष्कार कर आंदोलन की चेतावनी दी गई। ज्ञापन देने वालों में सरपंच ईश्वर सिंह, इंद्र सिंह सिसोदिया, गंगाराम, टीना कुंवर, मान सिंह, पार्वती बाई, सीमा जयपुरी, रोशन बाई, श्यामू बाई, लीला, अर्जुन सिंह, मांगू बाई, प्रेम पाटीदार सहित कई सरपंच मौजूद रहे। शामगढ़ में 18 से 26 अप्रैल तक मंदसौर लोकसभा की सभी 8 विधानसभा में सांसद खेल महोत्सव मनाया जाएगा, जिसके तहत भारतीय खेलों की प्रतियोगिताओं का आयोजन होगा। इसके लिए आयोजन समिति द्वारा तैयारियां पूर्ण कर ली गई है। पूरे संसदीय क्षेत्र के 95 इस महाखेल प्रतियोगिता के तैयार हो चुके हैं। इसमें सभी विजेता उपविजेता टीमों को पुरस्कृत के साथ ही सभी खिलाड़ियों को प्रशस्ति पत्र दिया जाएगा। आयोजन समिति प्रभारी सांसद प्रतिनिधि राहुल मुजावदिया ने सांसद खेल महोत्सव को लेकर बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खेलो इंडिया अभियान के तहत देश के लगभग सभी संसदीय क्षेत्र सुवासरा विधानसभा के शामगढ़ मंडल अंतर्गत पारंपरिक खेलों का आयोजन किया जा रहा है। इसका मकसद देश के युवाओं में खेलों के प्रति जागृति लाना और स्वस्थ भारत का निर्माण करना मुख्य उद्देश्य है। इस मकसद को लेकर सांसद खेल महोत्सव की पहल की है। खबरों में फिलहाल इतना ही, फिर मुलाकात होगी नई खबरों के साथ। तब बने रहिए खबर 24 न्यूज के साथ। धन्यवाद। चक्की चल रही कबीर बैठा रोई, दोनों पुर के बीच में तो साजान निकले जिको। के माता दाओ एक लीरा बना जारा रे बना जारा रे रे आतुर दे चरा है मामला अपना को साहिब ने महल बनाई बन जा रहा रे बन जा रहा रे हाँ गहरी गहरी माहे भी
छोड़ के मत जाओ, एक नीर बन जा रे बन जा रे। ऋषभ गैस सर्विस, 500 रुपए में लेंडर के लिए पहले करवाना होगा रजिस्ट्रेशन। आप ई मित्र पर जाकर भी रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। इसके लिए निम्न दस्तावेज होंगे, जनाधार कार्ड, बीपीएल राशन कार्ड, बैंक डायरी, उज्ज्वला गैस डायरी। उपरोक्त निर्देशों में राजस्थान सरकार द्वारा स्पष्ट निर्देश की। लाभार्थियों को स्वयं ही सब्सिडी पोर्टल पर पंजीकरण करना होगा, जो राज्य सरकार के DOT अधिकारियों द्वारा बनाया जाएगा। सब्सिडी का दावा करने के लिए लाभार्थियों के लिए गैस सिलेंडर का प्रमाण जैसे नगद राशि, कैश मेमो आवश्यक होगी। पता, ऋषभ गैस सर्विस, पंचायत समिति के सामने, भवानी मंडी। सचिन जैन, जिनका मोबाइल नंबर है 8058766999। राजेश सोनी 7568060310। नितेश राठौर 8003950705। हमारा पता है पंचायत समिति भवानी मंडी, ऋषभ गैस एजेंसी। मदर्स लैब, ए प्ले स्कूल, द फ्यूचर बिगिंस हियर। एडमिशन ओपन, नर्सरी, LKG, HKG। बेनिफिट ऑफ आवर क्लासेस, स्मॉल क्लास साइज, लविंग एंड केयरिंग एनवायरनमेंट, इंडिविजुअल एजुकेशन प्लान, डेडिकेट टीचर एंड स्टाफ। 31 मार्च 2023 तक नवीन प्रवेश लेने पर 20% फीस में छूट। हमारे मोबाइल नंबर है 6378228422, 9887267439। हमारा पता है हनुमान जी के मंदिर, वृंदावन गार्डन के पास, हाउसिंग बोर्ड कॉलोनी, भवानी मंडी, राजस्थान।